गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडी का चैप्टर 2 ज्योग्राफी रिसोर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर दैट मीन्स एग्रीकल्चर को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, फील्ड एंड ग्रोइंग। एग्री दैट मीन्स फील्ड एंड कल्चर दैट मीन्स ग्रोइंग। हम किसी भी लैंड में जो फील्ड है उसका हम किस तरीके से क्रॉप ग्रो करेंगे या फिर उसे कल्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि एग्रीकल्चर मीन्स क्या है। एग्रीकल्चर मीन्स the science or practice of farming, including cultivation of the soil for the growing of crops and the rearing of animals to provide food, milk, wool and etc. Agriculture means क्या है? एक ऐसी practice है या एक ऐसा science है जो soil को cultivate करके उसमें कुछ crops को बोता है और animals के द्वारा भी हम food या milk या wool provide कर सकते हैं। Next, यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। फर्स्ट एंड सेकंड में सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बताया गया है, जिसमें हमने आगे दो बताए गए, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब्सिस्टेंस क्या है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग दैट मीन्स फार्मिंग और अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट प्रोवाइड ऑल और ऑलमोस्ट all the goods required by the farm family, usually without any significant surplus for self. एक छोटे सा लैंड या पीस ऑफ लैंड जिसमें हम उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना कि हमारी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड है। हम उससे ज़्यादा उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ताकि हम उतना सरप्लस अरेंज कर सकें कि हम सेल कर सकें, तो उसको क्या कहते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज इंटेंसिव। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव दैट मीन्स पुराना, प्राचीन। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है? फर्स्ट, प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल प्लेट्स और फ्लैट। ये एक छोटी सी पीस लैंड का जो होता है उस पर प्रैक्टिस की जाती है, मतलब कि उसी पे क्रॉपिंग की जाती है। इसमें सिर्फ फैमिली या कम्युनिटी के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो पुराने टूल्स रहते हैं जैसे कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है, हथिया है जिसे हम काटते हैं, या फावड़ा है, वैसे टूल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ मैन्युअली लेबर। इसमें जो घर के लोग हैं या जो मैन्युअली लेबर, मतलब कि जो मैन्युअली काम करते हैं, जो हाथों के द्वारा काम करते हैं, उन्हीं को लिया जाता है। ये रेनफॉल पे या इरिगेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न जो फार्मिंग होती है, इस मेथड में क्या होता है कि जैसे ही बुआई होती है, बुआई होने के बाद हम कटाई करते हैं, कटाई होने के बाद उस लैंड में कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, पीसेस रह जाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं आग लगा के या फिर कट करके, उसको नीचे से कट करके उनको हटाते हैं ताकि हम फिर न्यू सीड्स को बोने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें ज़्यादा लोग, जैसे एक फैमिली में 10 लोग हैं और वह एक ही लैंड, छोटे से पीस है, उसी पर ही काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ बोने के लिए। तो यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि ज़्यादा, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती है या बहुत छोटा पीस होता है लैंड का, लेकिन बहुत लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये है प्रैक्टिस इन एरिया इन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया में यहाँ पे काम करना। तो अब ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करना होगा ताकि हम अपने जितनी पॉपुलेशन है उन क्राइटेरिया में उसको पहुंचा सके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, हाई डोजेस ऑफ केमिकल ऑफ फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, इरिगेशन यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग दैट मीन्स यूज़ ऑफ हाई HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिससे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर सकें, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सकें ताकि हम उसको सेल कर सकें। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जिसमें हम अपने पास जो यूज़ हो रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करके उसको बेच सकें, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर कैन एक्सेट्रा, ये सब कमर्शियल फार्मिंग है।
नेक्स्ट है क्रॉपिंग सीजन्स। कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं? एक तो रबी, सेकेंड खरीफ एंड थर्ड जैद। खरीफ क्रॉप दैट मीन्स दे आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। राइस, मीज, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। खरीफ क्रॉप क्या है? जो जनरली जून में कई चीज बोई जाती है एवं कब काटी जाती है? अक्टूबर में। जैसे चावल है, कॉटन है, ग्राउंड नट्स हैं, ये आपके क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। वीट, बाले, पी एंड ग्राम एंड एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। ये भी आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि रबी क्रॉप्स क्या होती है? नवंबर में ग्रो की जाती है एंड हार्वेस्ट कब की जाती है? अप्रैल में। जैसे गेहूँ है, मटर के दाने हैं, ग्राम है ना, बल्ले हैं, ये आपके क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स और अदर क्रॉप बीच आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, एग्जाम्पल बिटवीन अप्रैल एंड मई। एंड रबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट आर सोन एट द एंड ऑफ मानसून और एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन एक्सेट्रा, एग्जाम्पल बिटवीन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। दीज क्रॉप्स आर नोन एज मानसून क्रॉप। दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर और स्प्रिंग क्रॉप। दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन द रेनफॉल पैटर्न एंड नेक्स्ट दीज क्रॉप्स आर नॉट अफेक्टेड बाई द रेनफॉल। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं? फर्स्ट है मेजर क्रॉप, सेकेंड क्रॉप्स अदर द ग्रेन। मेजर क्रॉप्स में वीट, मेज, राइस, मिलेट्स आते हैं। क्रॉप्स अदर देन ग्रेन सुगर कैन, टी, कॉफी। नॉन फ्रूट क्रॉप्स रबर, जूट, फाइबर ए क्रॉप्स है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप दैट मीन्स पी, पोटेटो, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो। जैसे मैंने अभी बताया है कि इसमें वेजिटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस और आर्ट को यहाँ पे यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि हम किस तरीके से हॉर्टिकल्चर को बनाते हैं, जिसे यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम किसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जिसमें शामिल है आपके मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं, जैसे राइस, वीट, मिलेट। ये कैसे सीजन में है, इनमें रेनफॉल कितनी ज़रूरी है, सॉइल क्या है, फीचर्स क्या है, लोकेशंस कहाँ कहाँ पे, इनके नाम दिए हुए हैं चार्ट में, देख लें। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी शेयर इन नेशनल इनकम, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग ऑफ फूड सरप्लस टू द एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंड है राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वो आपको अपनी क्लास पर कॉपी में लिख रहे हैं, जो इस वीडियो में जिसके आंसर्स आपको दिए गए हैं।